नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्ट्री टेक। दोस्तों, रैंसमवेयर अटैक आप में से बहुत से लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे वो Q&A वीडियो हो या फिर नॉर्मल वीडियो, कहीं ना कहीं मुझे कमेंट देखने को मिल ही जाता है कि सर हमारे कंप्यूटर में सारी फाइल्स एनक्रिप्ट हो रही है, कहीं ना कहीं फाइल्स के आगे पीछे एक्सटेंशन आ गया है एक अजीब से लेटर्स का, और ना ही कोई फाइल आप खोल पा रहे हैं, पेमेंट करने का मैसेज आ रहा है या फिर एक वॉलपेपर आपके कंप्यूटर पे सेट हो गया है जिसमें आपको पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, तभी आपकी फाइल डिक्रिप्ट होगी। तो ऐसे में आपका बहुत सारा डेटा खतरे में है, क्योंकि आपकी फाइल्स एनक्रिप्ट हो चुकी है, वो भी रैंसमवेयर मालवेयर अटैक की वजह से। तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपके पीसी में अगर आपको भी नजर आ रहे हैं और आपको भी ऐसा लग रहा है कि सभी फाइल्स एक के बाद एक एनक्रिप्ट हो रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सिस्टम पर रैंसमवेयर वायरस अटैक कर चुका है। रैंसमवेयर अटैक से एनक्रिप्ट हुई फाइल को डिक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यही मेरा उद्देश्य है कि इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी दे पाऊं, क्योंकि काफी सारे लोग इस वायरस से सफर कर रहे हैं। लेकिन कैसे डिक्रिप्ट आप कर सकते हैं, ये बताने से पहले कुछ अहम जानकारी देना आपको जरूरी है, जिससे आप पूरी सावधानी बरत सकें। दोस्तों, ये जो आप रैंसमवेयर वायरस के बारे में सुन रहे हैं, जिसमें सभी फाइल्स एक के बाद एक एनक्रिप्ट होती हैं, एक एक्सटेंशन सभी फाइल्स और फोल्डर के साथ जुड़ जाता है, चाहे वो आगे जुड़े या फिर पीछे, इस तरह के वायरस को कहते हैं क्रिप्टो रैंसमवेयर। इस वायरस में यूजर का पूरी तरीके से एक्सेस हट जाता है, क्योंकि उसकी फाइल्स एनक्रिप्ट हो जाती हैं और उसके पास मैसेज आ रहा है कि भाई उसको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तभी उसको की प्रोवाइड की जाएगी, तभी वो अपने सिस्टम की फाइल्स को डिक्रिप्ट कर सकता है। तो ये तो एक नाइंसाफी वाली बात है, हैकर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं और इस वायरस से पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। अगर आपको भी आपके मेल आईडी पर कोई फिशिंग मेल आता है, कोई अननोन लिंक आता है, उसे ओपन ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। ना ही किसी अनऑथेंटिकेटेड वेबसाइट से सोर्सेज से किसी प्रकार का डेटा डाउनलोड करें, खासतौर से जिप फाइल तो बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, क्योंकि इसकी जो एंट्री आपके सिस्टम में ऐसे ही हो रही है, इन्हीं प्रोसेस से हो रही है। रैंसमवेयर अटैक को रोकने के लिए या फिर जो इससे एनक्रिप्ट हुई फाइल्स हैं उनको डिक्रिप्ट करने के लिए बहुत समय से सिक्योरिटी एजेंसीज लगी हुई हैं, काम कर रही हैं कि भाई जिससे रैंसमवेयर अटैक को रोका जा सके और फ्री में डेटा को डिक्रिप्ट किया जा सके, हैकर्स को कुछ पे ना करना पड़े। इस मुहिम के लिए नो मोर रैंसम प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की गई, जिसमें कुछ डच नेशनल सिक्योरिटीज, इंटेल सिक्योरिटीज और कैस्पर्स की लैब जैसी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरी मेहनत से लगकर कुछ टूल बनाए हैं, जिससे आपके डेटा को, आपके एनक्रिप्ट हुए डेटा को डिक्रिप्ट किया जा सके। और ये कंपनीज अब अपने इस प्रोजेक्ट में सफल भी हो रही हैं। अब तो खैर इसमें 30 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुकी है, जिसका नाम है नो मोर रैंसमवेयर प्रोजेक्ट, अवास्ट, बिट डिफेंडर वगैरह, ये सब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें जुड़ चुकी हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर 14 लैंग्वेज में 40 ऐसे फ्री डिकोडिंग टूल डेवलप किए गए हैं जो रैंसमवेयर अटैक से एनक्रिप्ट हुई फाइल को डिक्रिप्ट करने में सक्षम है। और काफी लोगों की स्टैट्स के मुताबिक उनको फायदा भी हुआ है, उन्होंने अपनी फाइल्स डिक्रिप्ट कर ली हैं, और इसीलिए जो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे कि आप भी अपनी फाइल्स को डिक्रिप्ट कर लें अगर आपकी फाइल एनक्रिप्ट हो गई है इस वायरस के चलते। फाइल्स डिक्रिप्ट करने के लिए नो मोर रैंसमवेयर प्रोजेक्ट में एड हुई सभी डिक्रिप्टर टूल की लिस्ट यहां मैं आपको शो कर रहा हूं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसे आप वन बाय वन ट्राई भी कर सकते हैं अपने सिस्टम के इन्फेक्शन को एनालाइज करके। डिक्रिप्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फाइल या फोल्डर्स पर कौन सा एक्सटेंशन है, जिसे आप देख के ही पता लगा सकते हैं, या फिर कौन सा इन्फेक्शन है। अगर आपको पता नहीं लग रहा है, किसी अलग तरीके का वेरियंट आपके सिस्टम में है, तो आप स्क्रीन पर दिखाई गई वेबसाइट का यूज लेंगे, जिसका नाम है nomoreransom.org। सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा डेवलप की गई वेबसाइट है। इस पर जाकर आपको सबसे पहले अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपने सिस्टम से कोई दो फाइल जिसका साइज 1 MB से कम हो और जो एनक्रिप्टेड हो, उन्हें अपलोड करना है सैंपल के तौर पे, जिस तरीके से किसी वायरस का सैंपल लिया जाता है उसी तरीके से फाइल का सैंपल यहाँ पे आपको अपलोड करना है। देन फाइंड आउट पे क्लिक करना है। इससे होगा क्या, ये आपके सिस्टम में किस तरीके का इन्फेक्शन है ये पता लगा के आपको रिजल्ट बताएगा, जिससे आपको पर्टिकुलर फिक्सर या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढने में मदद मिलेगी। अगर आपको पता है कि आपके सिस्टम में कौन सा एक्सटेंशन आप देख पा रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है फाइंड आउट करने की। नेक्स्ट स्टेप में जब आपको एनक्रिप्टेड फाइल्स का एक्सटेंशन पता लग जाए, देन उसके बाद स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक एड्रेस पर आप जा सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये सभी कोई अवास्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, कोई बिट डिफेंडर के द्वारा डेवलप किया गया है, कोई कैस्पर्स की के द्वारा डेवलप किया गया है। आप इनमें से किसी भी
डिक्रिप्टर टूल की वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ अल्काट्रेज डिक्रिप्टर पर, ठीक है, अवास्ट का टूल है ये, ऑथेंटिक है, अच्छे रिजल्ट है। आप इनमें से किसी पे भी जा सकते हैं, क्योंकि रैंसमवेयर वायरस के वेरिएंट बहुत हैं, इसलिए अलग अलग टूल ने अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से यहाँ पे डेटाबेस जनरेट किया और सब अपनी अपनी कोशिशों के तहत अपने अपने टूल के तहत यहाँ पे डेटा को डिक्रिप्ट कर रही हैं। अब आपको क्या करना है, इस इनमें से कोई भी एक नाम गूगल पे सर्च करना, जैसे मैंने यहाँ पे इस नाम को सर्च किया, ठीक है। आपको इस रिक्वेस्ट पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर आपका सिस्टम जिस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है वो यहाँ लिस्ट में से फाइंड आउट करना है। उस पर क्लिक करके ऑप्शंस में जाना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका सिस्टम इस अटैक से सफर कर रहा है जिसका नाम है क्रिप्ट 888 लॉक। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें चलते हैं। ये एक ऐसा मालवेयर है जो आपके सिस्टम की फाइल्स को एनक्रिप्ट करता है, जिसमें लॉक एक्सटेंशन, लॉक नाम से LOC के एक्सटेंशन फाइल के स्टार्ट में लग जाता है और इसके साथ ही एक डेस्कटॉप वॉलपेपर और आपका चेंज हो जाता है। इस वॉलपेपर में लिखा रहता है कि आपको इतना अमाउंट पे करना होगा, उसके बाद आपकी फाइल डिक्रिप्ट होगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपके पास भी इस तरीके का सिम्टम है, इस तरीके की फाइल लॉक हुई है आपकी इस एक्सटेंशन के साथ और इस तरीके का वॉलपेपर आ रहा है, तो आपको यहाँ पर जस्ट नीचे डाउनलोड करना है क्रिप्ट 888 आपके इन्फेक्शन के नाम से रिलेटेड। यहाँ पे फिक्स आपको मिल जाएगा, क्रिप्ट 888 फिक्स, इसको डाउनलोड करना है आपको और रन करना है और अपना सिस्टम स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद ये टूल आपके सिस्टम की फाइल्स को फिक्स कर देगा और आप अपनी फाइल्स एक्सेस कर पाएंगे। इसी तरह ये उन सभी इन्फेक्शन की लिस्ट है जो आपके सिस्टम में हो सकते हैं, जो यहाँ पे इस वेबसाइट पे दिए हुए हैं। आपको जस्ट फाइंड आउट करना है और पर्टिकुलर टूल आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि हर वेरिएंट के लिए अलग अलग टूल है, इसलिए आपको अलग अलग टूल डाउनलोड करना है, कोई एक कॉमन टूल यहाँ पे नहीं। इसके वेरिएंट भी बहुत सारे हैं, जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो अलग अलग वेरिएंट से इन्फेक्टेड हैं, क्योंकि अगर मेरे पास 4 या 40 मैसेज आ रहे हैं तो वो सभी अलग अलग एक्सटेंशन से इन्फेक्टेड हैं, इसलिए थोड़ी मेहनत आपको खुद करनी होगी और आपको अपने एक्सटेंशन से रिलेटेड टूल आपको ढूंढना पड़ेगा और वेबसाइट पर दिखाए गए इन टूल्स को ट्राई आपको करना होगा। इन टूल्स में आपकी एनक्रिप्टेड फाइल्स का सॉल्यूशन छुपा हुआ है, जस्ट आपको फाइंड आउट करना है। एक बात जो नॉर्मल यूजर्स से मैं कहना चाहूंगा, जो अभी तक सेफ हैं, अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका सिस्टम इस तरह के वायरस से इन्फेक्ट हो रहा है, तो तुरंत अपने सिस्टम को अदर कनेक्टेड डिवाइस से, चाहे वो मोबाइल से कनेक्टेड हो, चाहे वो आपका सिस्टम वाईफाई से कनेक्ट हो, टैबलेट से कनेक्टेड हो, किसी और पीसी से, लैपटॉप से कनेक्टेड हो, तो आपको अपना सिस्टम एकदम अलग कर लेना, आइसोलेट कर लेना है और डिवाइसेस से डिस्कनेक्ट कर लेना है, नहीं तो ये आपके सभी डिवाइसेस में फैलता जाएगा। मुझे आशा है कि अब आपको क्या करना है ये आपको समझ आ गया होगा, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।